यहीं से हम लोगों का चाहे आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम हमें रोजैया जी की। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रमुख और मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव की बीजेपी से बढ़ती नज़दीकियों के बीच एक बहुत बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है, कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता के लिए आंदोलन की ज़रूरत पड़ी तो वो आंदोलन करेंगे। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अम्बेडकर ने संविधान सभा में आवाज़ उठाई थी, वास्तव में उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी, लोहिया जी ने 67 में आवाज़ उठाई थी। तो हम लोग आज ही उनके जयंती के शुभ अवसर पर समान नागरिक संहिता की आवाज़ यहीं से हम लोगों का चाहे आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमें लोहिया जी के और अम्बेडकर जी के जो भी सपने अधूरे हैं उनकी आवाज़ उठा करके अपने संगठन को मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपने सुना, उनका ये बयान इस समय पे इसलिए मायने रखता है कि क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद लगातार वो ये कहते रहे हैं कि समय आने पे वो अपने अगले कदम का ऐलान करेंगे, मीडिया को बुला करके बताएंगे। इसी बीच उन्होंने सीएम योगी और पीएम मोदी को ट्विटर पे फॉलो किया था और अपना कवर फोटो भी बदला था, उसके भी मायने और संकेत साफ गए थे और बार बार यही कहते रहे हैं कि जैसे ही कोई फैसला ले लेंगे आपको बताएंगे। इसी क्रम में जब इनका ये बयान आया तो स्वाभाविक रूप से ये बयान बीजेपी को सूट कर रहा है। समान नागरिक संहिता की मांग बीजेपी और उस आरएसएस के जो अनुसांगिक संगठन हैं वो उठाते रहे हैं और यदि वही बात अब शिवपाल यादव बोल रहे हैं तो इसके अपने मायने हैं। अब बात करते हैं भतीजे अखिलेश यादव की कि चाचा और भतीजे में बन नहीं रही है। बड़ी मुश्किल से मुलायम सिंह यादव के हस्तक्षेप से विधानसभा चुनाव में दोनों ने समझौता कर लिया था, लेकिन अखिलेश यादव ने एक सीट दिया था शिवपाल यादव को। जसवंत नगर से जब वो जीत करके पहुँचे वो भी साइकिल चुनाव चिन्ह पे, तो उन्हें ये उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी में उन्हें सम्मानजनक जगह मिलेगी, लेकिन जब समाजवादी पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई गई तो उस बैठक में उनको नहीं बुलाया गया। उन्होंने नाराजगी व्यक्त की तो सफाई ये आई कि ये समाजवादी पार्टी विधायक दल की बैठक थी, जब सहयोगियों की बैठक बुलाई जाएगी तब उन्हें बुलाया जाएगा। 29 मार्च को सहयोगी दलों की बैठक हुई, उसमें शिवपाल यादव को बुलाया गया लेकिन वो भागवत कथा सुनते रहे और उस बैठक में नहीं गए। तभी के से खबर है कि वो दिल्ली में आकर के बीजेपी के बड़े नेताओं से मिले थे, उसके बाद लखनऊ जाकर के सीएम योगी से मिले थे और उनकी बीजेपी से बातचीत काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, कभी भी वो साथ जाने का ऐलान कर सकते हैं। उससे यदि जोड़ करके इस बयान को देखेंगे तो ये बहुत मायने रखता है और शिवपाल यादव बहुत बड़ा इशारा कर रहे हैं। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।